Hi friends, how are you? Welcome to this channel and let's see our today's video, and that is the explanation of the lesson Let's March. तो यह लेसन एक भाषण है, स्पीच है, जो नोबेल प्राइज विजेता कैलाश सत्यार्थी ने दिया है, जिनका जन्म 1954 में हुआ है और वह भारतीय बच्चों के अधिकार और शिक्षा के अधिवक्ता है और बाल श्रम के खिलाफ काम करने वाले कार्यकर्ता भी है। उन्होंने 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की और 144 देशों में 83,000 से अधिक बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने का काम भी उन्होंने किया है। उन्हें 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार के साथ और कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह भाषण स्पीच उन्होंने नोबेल पुरस्कार वितरण समारोह के समय दिया था। तो हम सभी भारतीयों को गर्व महसूस करना चाहिए क्योंकि उन्हें इतना बड़ा पुरस्कार मिला है और वह एक भारतीय है। तो देखते हैं इस भाषण में वह क्या कहना चाहते हैं। Let's start the lesson. Let's march. Part 1. My dear children of the world. दुनिया भर के मेरे प्यारे बच्चों, Your Majesties, Your Royal Highnesses, Excellencies, Distinguished Members of the Norway Nobel Committee, Dear Brother Tom Harking, Brothers and Sisters, and my dear daughter Malala. आदरणीय महाराज और महारानी, आदरणीय मान्यवर, नॉर्वे नोबेल कमेटी के प्रतिष्ठित सदस्य, मेरे प्यारे भाई टॉम हार्किन, भाई और बहनों और मेरी प्यारी बेटी मलाला, फ्रॉम दिस पोडियम ऑफ पीस एंड ह्यूमैनिटी आई एम डीपली ऑनर टू रिसाइट अ मंत्र फ्रॉम द एंशिएंट टेक्स्ट ऑफ विजडम वेदास। मैं शांति और मानवता के इस पवित्र मंच से वेद के एक मंत्र को उच्चारित करते हुए खुद को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। This mantra carries a prayer, an aspiration, and resolve that has the potential to liberate humanity from all man-made crises. इस मंत्र में एक ऐसी प्रार्थना है, एक ऐसी कामना है और एक ऐसा संकल्प निहित है जो विश्व को मनुष्य जनित, मनुष्य निर्मित त्रासदियों से, प्रॉब्लम से मुक्ति दिलाने का सामर्थ्य रखता है। तो उस मंत्र का मतलब यहाँ पे दिया है, Let's walk together. सभी साथ साथ चले। In the pursuit of global progress, not a single person should be left out or left behind in any corner of the world, from east to west, from south to north. आर्थिक विकास और तरक्की के रास्ते में दुनिया के दक्षिणी छोर से उत्तर तक और पूर्वी छोर से पश्चिम तक हम में से कोई भी पीछे ना रह जाए, हम में से कोई भी बिछुड़ ना पाए, मतलब सभी की प्रोग्रेस होनी चाहिए। लेट्स स्पीक टुगेदर, लेट आवर माइंड्स कम टुगेदर। हम सभी दुनिया की भलाई के लिए साथ साथ बोले, साथ साथ चिंतन करें। लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ आवर एंसेस्टर्स, लेट अस टुगेदर क्रिएट नॉलेज फॉर ऑल दैट बेनिफिट्स ऑल। और हम सभी साथ मिलकर एक ऐसे ज्ञान का सृजन करें, एक ऐसे ज्ञान को निर्माण करे जिससे समस्त विश्व का कल्याण हो सके। आई बो टू माई लेट पेरेंट्स, टू माई मदरलैंड इंडिया एंड टू द मदर अर्थ। आज मैं सबसे पहले मेरे स्वर्गवासी माता पिता को, स्वर्ग से भी महान अपनी मातृभूमि भारत को और समस्त धरती माता को बहुत विनम्रता के साथ नमन करता हूँ। With a warm heart, I recall how thousands of times I have been liberated, each time I have freed a child from slavery. In the smile of the freedom on their beautiful faces, I see the God smiling. मैं उन हजारों बच्चों को स्मरण याद करता हूँ, जिनको आजाद कराने में मैं स्वयं मुक्त होता रहा हूँ। जब मैंने उन्हें मुक्त कराया, मुक्ति की पहली मुस्कुराहट में मैंने बार बार, हर बार उनके चेहरों पर ईश्वर को मुस्कुराता हुए देखा है। आई गिव द बिगेस्ट क्रेडिट ऑफ दिस ऑनर टू माई मूवमेंट्स कालू कुमार धूमदास एंड आदर्श किशोर फ्रॉम इंडिया एंड इकबाल मसीह फ्रॉम पाकिस्तान, हु मेड द सुप्रीम सैक्रिफाइस फॉर प्रोटेक्टिंग द फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ चिल्ड्रन। मैं इस सम्मान का सबसे बड़ा श्रेय
अपने आंदोलन के शहीद कालू कुमार, धूमदास, आदर्श किशोर भारत से, और पाकिस्तान के नन्हे शहीद इकबाल मसीह, और ऐसे तमाम लोगों को देना चाहता हूँ जिन्होंने बच्चों का बचपन लौटाने के लिए हंसते हंसते अपना सर्वोच्च बलिदान कर दिया। आई हम्बली एक्सेप्ट दिस अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल सच मार्टियर्स, माय फेलो एक्टिविस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड एंड माय कंट्रीमैन। मैं आज उन सभी लोगों की तरफ से दुनिया भर में बच्चों को आजादी और शिक्षा दिलाने में लगे तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से और मेरे समस्त देशवासी बहनों और भाइयों की तरफ से बहुत विनम्रता से आपका यह पुरस्कार स्वीकार करता हूँ। माय जर्नी फ्रॉम द ग्रेट लैंड ऑफ लॉर्ड बुद्धा, गुरु नानक एंड महात्मा गांधी, इंडिया टू नॉर्वे इज अ कनेक्ट बिटवीन द सेंटर्स ऑफ ग्लोबल पीस एंड ब्रदरहुड, एंशियंट एंड मॉडर्न। भगवान बुद्ध, गुरु नानक और महात्मा गांधी के धरती भारत से नॉर्वे तक की मेरी यह यात्रा विश्व शांति और मानवता के एक छोर को, जो प्राचीन छोर है जो भारत है, दूसरे जो आधुनिक छोर है जो नॉर्वे, उसे जोड़ने की यात्रा मैं मानता हूँ। फ्रेंड्स, द ग्लोबल कमिटी हैज जेनरसली इन्वाइटेड मी टू प्रेजेंट ए लेक्चर। दोस्तों, नोबेल कमिटी ने बहुत ही उदारता पूर्वक मुझे यहाँ पे एक लेक्चर देने के लिए आमंत्रित किया है। रिस्पेक्टफुली आई एम अनेबल टू डू दैट, लेकिन मैं सम्मान पूर्वक कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे लेक्चर नहीं दे सकता, बिकॉज आई एम रिप्रेजेंटिंग हियर द साउंड ऑफ साइलेंस, द क्राई ऑफ इनोसेंस एंड द फेस ऑफ इनविजिबिलिटी। मैं यहाँ कोई लेक्चर देने नहीं आया, मैं यहाँ उन बच्चों के मौन के ध्वनि को, उनके मासूम रोने को और उनके अदृश्य रहने वाले उनके चेहरों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, मतलब उन बच्चों के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। आई रिप्रेजेंट मिलियंस ऑफ दो चिल्ड्रन हु आर लेफ्ट बिहाइंड एंड दैट इज वाई आई हैव केप्ट एन एम्प्टी चेयर हियर एज ए रिमाइंडर। मैं उन लाखों बच्चों का प्रतिनिधित्व करता हूँ जो बहुत पीछे रह गए और इसीलिए उनके स्मरण में मैंने एक खाली कुर्सी यहाँ पे रखी और यह कुर्सी हमें उन बच्चों की याद दिलाती है कि अभी भी बहुत से बच्चे पीछे है, उन्हें हमें आगे लेके आना है। आई हैव कम हियर ओनली टू शेयर द वॉइसेस एंड ड्रीम्स ऑफ अवर चिल्ड्रन बिकॉज दे आर अवर चिल्ड्रन। मैं यह केवल हमारे बच्चों की आवाज और उनके सपनों के बारे में आपको बताने के लिए आया हूँ क्योंकि वो हमारे बच्चे है। बहुत बार हमें लगता है कि वो दूसरों के बच्चे, लेकिन नहीं, वो हमारे बच्चे। आई हैव लुक्ड इन टू देयर फ्राइटन एंड एग्जॉस्टेड आईज, आई हैव हेल्ड देयर इंजर्ड बॉडीज एंड फेल्ड देयर ब्रोकन स्पिरिट्स। मैंने उनकी भयभीत और थकी हुई आंखों में देखा है, मैंने उनकी घायल शरीरों को उठाया है और उनकी टूटी हुई आत्माओं को महसूस किया है कि वो किस कंडीशन से गुजर रहे। 20 years ago in the foothills of the Himalayas I met a small skinny child laborer. 20 साल पहले हिमालय के तलहटी में मैं एक छोटे बहुत ही पतले बाल मजदूर से मिला। He asked me, is the world so poor that it cannot give me a toy and a book instead of forcing me to take a gun or a tool? उसने मुझसे सवाल किया, क्या दुनिया इतनी गरीब है कि वह मुझे एक किताब या खिलौना नहीं दे सकती, इसके बजाय वह मुझे बंदूक या काम करने का कोई औजार उठाने पे मजबूर करती है। आई मेट विद अ सुडानीज चाइल्ड सोल्जर, ही वॉज किडनैप्ड बाय एन एक्सट्रीमिस्ट मिलिशिया। एज हिज फर्स्ट ट्रेनिंग लेसन ही वॉज फोर्स्ड टू किल हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली। ही आस्क मी व्हाट इज माई फॉल्ट। मैं एक सुडानी बाल सैनिक से मिला, तो बाल सैनिक नाम सुनते कैसा लगता है, वहां के उग्रवादी नागरिक सेना ने उसका अपहरण कर लिया था। उसके पहले प्रशिक्षण सबक में उसे उसके दोस्तों को और उसके परिवार को मारने के लिए मजबूर कर दिया। उसने मुझसे सवाल किया, मेरी गलती क्या थी, मुझे मेरे परिवार को क्यों मारना पड़ा, मेरे दोस्तों को क्यों मारना पड़ा। फ्रेंड्स, ऑल द ग्रेट रिलीजियंस टीच अस टू केयर फॉर अवर चिल्ड्रन। दोस्तों, सभी महान धर्म अपने बच्चों की देखभाल करना सिखाते हैं। Jesus said, let the children come to me, do not hinder them,
फॉर द किंगडम ऑफ गॉड बिलोंग्स टू देम। यीशु ने तो ये कहा है, बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि परमेश्वर की ये जो धरती, ये जो राज्य, ये उन्हीं का है। उनके लिए बाधा मत बनो, उन्हें अच्छे से जीवन जीने दो। द होली कुरान सेज किल नॉट योर चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। पवित्र कुरान तो ये कहता है कि गरीबी के कारण अपने बच्चों को मत मारो। फ्रेंड्स, देयर इज अ नो ग्रेटर वायलेंस देन टू डिनाई द ड्रीम्स ऑफ अवर चिल्ड्रन। दोस्तों, हमारे बच्चों के सपनों को नकारना इससे बड़ी कोई हिंसा नहीं है, क्योंकि यही बच्चे हमारा आगे चल के भविष्य बनने वाले, ये हमें सोचना चाहिए। Therefore, I refuse to accept that all the temples and mosques and churches and prayer houses have no place for the dreams of our children. इसलिए मैं यह मानने से इनकार करता हूँ कि सभी मंदिरों और मस्जिदों और चर्चों और प्रार्थना घरों में हमारे बच्चों के सपनों के लिए कोई जगह नहीं। I refuse to accept the world is so poor. When just 1 week of global military expenditure can bring all the children to classroom. मैं यह मानने से इनकार करता हूँ कि दुनिया इतनी गरीब है, जबकि पूरी दुनिया के सैन्य का एक सप्ताह का खर्च अगर रोक दिया जाए तो इससे दुनिया के सारे बच्चे क्लासरूम में पहुंच सकते हैं। I refuse to accept that all the laws and constitutions, police and judges are unable to protect our children. मैं यह मानने से इनकार करता हूँ कि दुनिया के सारे कायदे कानून, पुलिस और न्यायाधीश हमारे बच्चों की सुरक्षा करने में असमर्थ है। आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट द शैकल्स ऑफ स्लेवरी कैन एवर बी स्ट्रॉन्गर देन द क्वेस्ट ऑफ फ्रीडम। मैं यह मानने से इनकार करता हूँ कि गुलामी की बेड़िया कभी भी आजादी की तलाश से ज्यादा मजबूत हो सकती है, ये हो ही नहीं सकता। अगर हम आजादी की तलाश करते तो गुलामी की बेड़िया हमें ज्यादा देर तक बांधे हुए नहीं रख सकती। I refuse to accept here, और ये सभी चीजें आज मैं मानने से इनकार करता हूँ। My only aim in the life is that every child is free to be a child, free to grow and develop, free to eat, sleep and see daylight, free to laugh and cry, free to play and learn, free to go to school, free to dream. जीवन में मेरा एकमात्र उद्देश्य यही है कि हर एक बच्चा बच्चा होने के लिए स्वतंत्र हो, मतलब उसे जल्द ही बड़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं सौंपी जानी चाहिए। वह बढ़ने के लिए, विकसित होने के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए, उजाले को देखने के लिए, हंसने के लिए, रोने के लिए, खेलने के लिए और पढ़ने के लिए, स्कूल जाने के लिए, सपने देखने के लिए स्वतंत्र हो, यही मेरा एकमात्र सपना है। I have the privilege of working with many courageous people who have the same aim. और जिस फील्ड में अभी मैं हूँ, मुझे कई साहसी लोगों के साथ काम करने का सौभाग्य मिला है कि वो लोग जिनका उद्देश्य भी मेरे जैसा ही। We have never given up against any threat or attack and never will. तो हमने कभी भी किसी खतरे या किसी हमले के खिलाफ हार नहीं मानी है और ना ही हम हार मानेंगे। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो निडर होके समाज के लिए, लोगों के लिए काम कर रहे हैं। We have made progress in the last couple of decades. तो पिछले कुछ दशकों में हमने बहुत अच्छी प्रगति की है। We have reduced the number out of school children by half. हमने स्कूल के बाहर रहने वाले, स्कूल ना जाने वाले बच्चों की संख्या आधी कर दी है। We have reduced the number of child laborers by third. हमने बाल श्रमिकों की संख्या में एक तिहाई की कमी की। We have reduced child mortality and malnutrition and we have prevented millions of child death. हमने बाल मृत्यु और कुपोषण को कम किया है और इससे हमने लाखों बच्चों के मृत्यु को रोका है। But let us make no mistake, great challenges still remain. लेकिन हमें कोई गलती नहीं करनी है, क्योंकि बड़ी चुनौतियां अभी भी बनी हुई है। Friends, the biggest challenge or biggest crisis knocking on the doors of humankind is fear and intolerance. दोस्तों, मानव जाति के दरवाजे पर
दस्तक देने वाली सबसे बड़ी चुनौती या सबसे बड़ा संकट वो है जिसका नाम है भय और असहिष्णुता। मतलब कहीं पे लोग डरे हुए नजर आ रहे और कहीं पे लोग बहुत ज्यादा असहिष्णु बन रहे, मतलब छोटी छोटी बातों पे तुरंत रिएक्ट कर रहे, मतलब उनका गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। वी हैव अटरली फेल्ड अवर चिल्ड्रन इन इम्पार्टिंग एन एजुकेशन। हम अपने बच्चों को शिक्षा देने में पूरी तरह विफल हो गए। ऐसे कैसे हो सकता है? बच्चों को एजुकेशन हम नहीं दे रहे क्या? दे रहे, लेकिन कैलाश सत्यार्थी जो एजुकेशन देना चाहते हैं वो एजुकेशन देखिए, एन एजुकेशन दैट गिव्स द मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ। तो शिक्षा कैसे कहते हैं? एक ऐसी शिक्षा जो जीवन का अर्थ और उद्देश्य देती है, जो समझाती है कि आपको लाइफ में क्या करना है, एग्जैक्टली क्या करना है। हमें यहाँ पे यही बताया जाता है कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बस इतना पैसा कमाना है, बस यही बताया जाता है। तो एक्चुअल शिक्षा क्या है? एन एजुकेशन दैट गिव्स द सेंस ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप अमंग द यूथ। एक ऐसी शिक्षा जो युवाओं में वैश्विक नागरिकता की भावना को पैदा करे कि मैं एक विश्व का एक सदस्य हूं, तो मुझे दुनिया के बारे में भी सोचना चाहिए, मुझे खाली मेरे बारे में नहीं सोचना चाहिए। आई एम अफ्रेड दैट द डे इज नॉट वेरी फार अवे व्हेन द क्यूमुलेटिव रिजल्ट ऑफ दिस फेलियर विल कल्मिनेट इन एन अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस। मुझे यह डर है कि वह दिन दूर नहीं है जब इस असफलता का, मतलब हम बच्चों को अच्छा एजुकेशन ना देने के वजह से, इस असफलता का संचयी टोटल परिणाम जब आएगा तो वो एक अभूतपूर्व हिंसा में होगा। क्योंकि आजकल हम पढ़ा क्या रहे, तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू क्रिश्चियन है, तू बुद्धिस्ट है, तो हर एक रिलीजन में मेरा रिलीजन ही बड़ा है इसी तरह सिखाया जा रहा है। तो अगर हम इसी तरह बच्चों को सिखाते रहे तो एक दिन इस रिलीजन के ऊपर एक बहुत बड़ी वॉर होगी, एक बहुत बड़ा युद्ध होगा, और ये युद्ध इतना बड़ा होगा कि हम इसे सोच नहीं पाएंगे, एंड दैट विल बी सुसाइडल फॉर मैनकाइंड। और वह दिन मानव जाति के लिए आत्मघाती होगा, इतना बुरा दिन हमें देखना पड़ेगा। राइट, सिक्योरिटी, होप कैन ओनली बी रिस्टोर्ड थ्रू एजुकेशन। बच्चों के अधिकार, सुरक्षा और आशा को केवल शिक्षा के माध्यम से ही बहाल किया जा सकता है। यंग पीपल लाइक मलाला, आई हैव स्टार्टेड कॉलिंग हर माई डॉटर मलाला, नॉट जस्ट मलाला। मलाला जैसे युवा लोग, मैंने उन्हें सिर्फ मलाला नहीं तो मेरी बेटी मलाला कहना शुरू किया है। सो माई डॉटर मलाला एंड अदर डॉटर्स इंक्लूडिंग कायनात, इनफैक्ट टू कायनात एंड शाजिया एंड द डॉटर्स फ्रॉम अफ्रीका फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो मेरी बेटी मलाला और अन्य बेटियां, जिनमें दो कायनाते और शाजिया और अफ्रीका की बेटियां और पूरी दुनिया की बेटियां अच्छा काम कर रही है। दे आर राइजिंग अप एंड चूजिंग पीस और वायलेंस, टॉलरेंस ओवर एक्सट्रीमिज्म एंड करेज ओवर फियर। वे ऊपर उठ रही, वो सामने आ रही, और वो हिंसा के अलावा शांति, उग्रवाद के अलावा सहिष्णुता और डर के अलावा साहस को चुन रहे। मतलब वो जिन चीजों को चुन रहे उससे पूरी दुनिया में शांति और अमन कायम रहेगा। द सोल्यूशंस आर इमर्जिंग, तो उपाय बाहर निकल रहे, मतलब जितने भी प्रॉब्लम्स है तो प्रॉब्लम के साथ साथ उपाय भी बाहर निकल रहे। हम कहते हैं कि दुनिया में हिंसा बढ़ रही है, लेकिन हिंसा के साथ साथ ऐसे लोग भी आगे आ रहे, तो ऐसे लोगों का बाहर आना मतलब क्या? ऐसे लोग मतलब उपाय है। बट दीज सॉल्यूशंस कैनॉट बी फाउंड इन द डेलिब्रेशंस इन कॉन्फ्रेंसेस अलोन। पर इन उपायों को, इन समाधानों को अकेले मीटिंग्स में विचार विमर्श करके नहीं पाया जा सकता। बड़े बड़े लोग मीटिंग करके बस विचार विमर्श करते हैं तो वहां पे ये समाधान नहीं मिलेंगे। एंड कैनॉट बी फाउंड इन प्रिस्क्रिप्शंस फ्रॉम अ डिस्टेंस, और दूर से कागज पे कुछ लिख के उनके सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे, उनके उपाय नहीं मिलेंगे। तो उनके उपाय है कहाँ पे? ऐसे प्रॉब्लम्स के उपाय कहाँ पे? दे लाई इन अ स्मॉल ग्रुप्स एंड लोकल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स हु आर कन्फ्रंटिंग विद द प्रॉब्लम एवरी डे। वे उपाय छोटे समूहों के पास है, स्थानीय संगठनाओं के पास है, और कुछ ऐसे लोग जो हर दिन उन समस्याओं का सामना करते हैं, ऐसे लोगों के पास वह उपाय है।
Even if they remain unacknowledged, unrecognized and unknown to the world, the solutions are with them. Bhale hi ve log duniya ke liye anjaan, aparichit, aprasiddh bane rahe, lekin in problems ke solutions samadhan unke paas hai. तो ऐसे लोगों को हमें जानना चाहिए, पहचानना चाहिए और ऐसे लोगों को हमें सपोर्ट करना चाहिए. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने पार्ट वन कंप्लीट किया है. लेसन बहुत ज्यादा बड़ा है, इसके लिए मैं इसे दो पार्ट में डिवाइड करके आपको सिखाने वाला हूँ. होप सो कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग दिस चैनल. बाय.